बे तू। अबे सुन, अगर तू एक शेर है और वो लड़की तेरा शिकार है तो पता है मैं कौन हूँ? शिकारी हूँ। देख, उस लड़की को भूल जा, आखिरी बार कह रहा हूँ, निकल जा। सुन बे, तू जानता है हम कौन है? हमारी पहुँच नहीं जानता है क्या? मेरा घूसा खाने से पहले सब लोग यही डायलॉग बोलते हैं, जितना वक्त ये फालतू बकवास करने में जाया किया उतने वक्त में मैं तुझे दो बार मारता। बहुत गर्मी है ना तुझमें, अभी तेरी हेकड़ी उतारता हूँ, देखते हैं कितनी देर टिकता है। मारो इसे। तो आ ना। छोटा भाई यहाँ भी पहुँच गया, मार देते उसे। अभी नहीं। और वो कौन है? दिव्या का दोस्त होगा। सिर्फ दोस्त होता तो अपनी जान खतरे में नहीं डालता, वो जरूर मदद के लिए पुलिस को फोन करता। ये जरूर दिव्या पर अपनी जान लुटाता है। यही है वो लड़का जो हमारी दिव्या का जीवन साथी बनेगा। पापा आप क्या? चलो। मैं नहीं जाऊंगी। एक शब्द नहीं, चलो। सर, ये लड़की मुझे कुछ सही नहीं लग रही है, फैक्ट्री के आड़ में कुछ और ही हो रहा है। सर, मैं इंडिया फैक्ट्री के लिए नहीं आया हूँ, दिव्या के लिए आया। क्या? दिव्या के नाम पे अपनी फैक्ट्री पर केस करवाने वाला मैं हूँ, उसके पापा को फोन करके यहाँ बुलाने वाला भी मैं ही हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत दिव्या से ही होती है और मेरी कहानी का अंत भी दिव्या से ही होगा। चलो आओ। चुप कर, तेरी नाक के नीचे से ये भाग गई, क्या खाक देखभाल करेगा तू इसकी? तू बोल रहा है? अपनी गर्भवती पत्नी को निकालने की दरिंदगी की है तूने, तुझे इसे बेटी कहने का हक नहीं है, चल जा। बस कीजिए पापा, और आप भी मामा जी, यही वजह थी मेरे भागने की। अगर दोबारा आप लोग लड़े तो इस बार मैं भागूंगी नहीं, सीधा जान दे दूंगी। कैसी बातें? वो कौन था जिसने दिव्या की जान बचाई? पता नहीं कौन था, पर उस लड़के ने छोटे मालिक की हड्डी पसली एक कर दी। तुम लोग देखते रहे, उससे पंगा लिया तो वो आपको नारियल की तरह छील के पी जाएगा भैया। वो लड़का कौन है, कहां से आया है, उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। इसका मतलब है कि आप विदेश से अपनी फैक्ट्री के लिए नहीं, उस लड़की के लिए आए? ये क्या राज है? इस कहानी की शुरुआत मेरी माँ से होती है। मुझे लगा मेरी सगाई से मेरी माँ को खुशी होगी, लेकिन मेरी सगाई के बाद पता चला कि वो बहुत दुखी है। देखा माँ, हरा दिया ना आपको, मैंने ऐसा गेम खेला कि आप चारों खाने चित हो गई। मैंने तुम्हारी शादी को लेकर कितने सपने देखे थे, सोचा था अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी, सोचा मेरी गलती तुम सुधार लोगे। अब क्या कह रही है, हुआ क्या है? मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है, और वो ये कि मैं अनाथ हूँ। 6 साल की थी तभी माता पिता गुजर गए, बापू ने ही मुझे पाला पोसा है, उनके परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया। बेटा, ये सालों पुरानी बात है, मेरे और बापू के पिता अच्छे दोस्त थे। पिताजी के गुजरने के बाद बापू और उनके भाइयों ने मेरा ख्याल रखा। बापू के एक बचपन के दोस्त थे,
उनका नाम था बल्ली ठाकुर। बल्ली ठाकुर की चार बहनें थी। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए मेरी शादी बल्ली ठाकुर से तय हुई और उनकी बहनों की शादी बापू और उनके भाइयों से तय हुई। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही बल्ली के साथ मेरी शादी होने वाली थी। इस बीच बापू और उनके भाइयों की शादी हो चुकी थी, पर मुझे तुम्हारे पापा से प्यार हो गया था। मुझ में हिम्मत नहीं थी बापू को ये सच बताने की, इसलिए मैंने बल्ली को सब बता दिया। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ये शादी नहीं कर सकता। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे न्योते पड़ चुके हैं, तुम इनकार कैसे कर सकते हो? तुम्हारी बहनें और हम सब कितने खुश थे। कुंडली के मुताबिक हमारी शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हुई तो उसकी बदनामी होगी। वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता, माफ कीजिए। लेकिन बल्ली ने हमारी शादी कोर्ट में करवा के हमें गाँव से बाहर भेज दिया। बल्ली ठाकुर के बहुत उपकार है हम पर। बापू को ये बात पता चल गई और बल्ली से रिश्ता तोड़ लिया। निकल यहाँ से। मेरी बहन को भगा कर उसकी शादी करवा दी, मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा तुझे। अब मैं इसका दंड तेरी बहनों को घर से निकाल कर तुझे दूंगा। पति होते हुए भी तेरी बहनें विधवा का जीवन व्यतीत करेंगी। अपनी बहनों को उस हालत में देखकर तू जीवन भर खून के आंसू रोएगा। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। उस वक्त बल्ली की बड़ी बहन पेट से थी, उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बापू बच्ची को घर लाना चाहते थे पर बल्ली ने देने से इनकार कर दिया। बात अदालत तक चली गई। अदालत ने यह फैसला लिया कि बच्ची हमेशा के लिए माँ के पास रहेगी, पर उसके पिता महीने में एक बार उससे आकर मिल सकते हैं। उसी दिन के बाद मैंने एक फैसला लिया था कि तुम्हारी शादी मैं दिव्या से करवाऊंगी, ताकि जो गलती मैंने की है उसकी माफी मांग सकूं। तो इस बारे में मैंने बल्ली से बात की। सरस्वती, तुम्हारे इस फैसले से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे लिए सबके दिलों में नफरत घर कर चुकी है। दिव्या को बहू बनाने का सपना छोड़ दो। मेरी वजह से दोनों की दोस्ती टूट गई। सोचा था ये रिश्ता करवा के अपना प्रायश्चित कर पाऊंगी, पर सब कुछ उल्टा हो गया। नहीं रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है माँ। तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा। माफ करना माँ, मैं पैसे कमाना तो सीख गया पर रिश्ते बनाना नहीं सीख पाया। मैं अपने देश वापस जाऊंगा और उन लोगों का भरोसा जीतकर दिव्या को इस घर की बहू बनाकर रहूंगा। फिर मैंने दिव्या से जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश की, तब मुझे ग्रीन आर्मी के बारे में पता चला। फिर मैंने एक प्लान बनाया, खुद ग्रीन आर्मी को मेरी फैक्ट्री के खिलाफ भड़काकर फैक्ट्री को बंद करवाया और दिव्या से मिलने का बहाना ढूंढा। अब दिव्या का दिल जीतने के लिए उसके परिवार से मिलना होगा। ए रुको, तुम लोग कौन हो? हे, आप लोग कौन है? मेरे भैया भूपेंद्र, नागेंद्र, देवेंद्र और ये धर्मेंद्र। जितेंद्र नहीं है, मरना है क्या? मैं कैसे मान लूं कि तुम दिव्या से सच्चा प्यार करते हो? आप कहें तो साबित करके दिखा दो। कैसे करोगे? जैसे आप चाहें। तुम्हें मार डालूं तो? कब और कहां? अगर किसी ने दिव्या पर आंख उठाई तो? बर्बाद कर दूंगा उसे। उसे खुश रखोगे? उसे पलकों पर बिठाऊंगा। दामाद जी, इतनी जल्दी मान गए? पहली बार देख के ही पसंद कर लिया था। जल्द ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। सर, दरअसल दिव्या मुझसे थोड़ी सी नाराज है। मुझे आपसे बस कुछ दिनों की मोहलत चाहिए, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो पापा। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है, वो तुम्हें हर खुशी देगा। देखिए पापा, बस मुझे झूठे वादे करने वाले लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत ही अच्छा लड़का है बेटी, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मेरी बात मानो और उससे एक बार मिल लो। ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना? जी ठीक है, बाकी काम हम लोगों ने कर लिया। किसका फोन था बेटा? वो पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और वो कल मिलने के लिए आ रहा है। तो उसको मना कर दो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का लाऊंगा। मामा जी, पापा और आपके संबंध पहले ही बहुत खराब हैं, उन्हें और खराब मत कीजिए। मैं उस लड़के से मिल लूं तो ही अच्छा है। देखो ये क्या कर रही है, इसे खुद पता नहीं है। इसके बाप का भेजा हुआ कोई भी लड़का आए तो उसे रवाना कर दो, और अगर अड़ जाए तो खत्म कर लो। लगता है लड़का इसी गाड़ी में है, जाओ जाके खत्म कर दो उसे। Hey!
हमारे सामने ये दो डंडियां लेके हवा में ऐसे वैसे घुमाने से तू एक्शन हीरो नहीं बन जाएगा। बहुत दिनों से इसका इस्तेमाल नहीं किया, कोई ढंग का मिला ही नहीं, क्यों ना तुम पे ट्राई करूं। डर तो नहीं जाओगे ना? इस खिलौने से कौन डरेगा? तो चल आजा, दो दो हाथ हो ही जाए, देखते हैं आज तुम्हारे ये हथियार जीतते हैं या मेरा ये खिलौना तुम्हारा नक्शा बिगाड़ देता है। सब अपनी अपनी शर्ट उतार कर बैठ जाओ। तो बच्चों, इस खिलौने से क्या सीखा? हर खिलौना बच्चों के खेलने का नहीं होता, आप जैसा भोला भाला दिखने वाला आदमी भी कभी कभी खतरनाक हो सकता है। सेहत से तो गुंडे नहीं लगते हो, वैसे करते क्या? बल्ली ठाकुर क्या काम करते हैं? क्या मिलता है? दो वक्त का खाना और 1000 रुपया रोज मिलता है, साल में एक बार। एक बात तो समझ में आ गई, तुम में से कोई भी ये काम करना नहीं चाहता, बस भूख की वजह से मजबूर। मैं तुम सबका बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा और हर एक के खाते में 10 लाख डाल दूंगा। अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करो और ईमानदारी का काम करो। आप महान हो। हम गुंडागर्दी नहीं करेंगे, आज से हम वही करेंगे जो आप कहेंगे।